हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो में देखिए अर्जेंट बेसिस पे यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ ओ होप सबको यहाँ पर मिल जाएगी ये वीडियो ऑन टाइम क्योंकि आज लास्ट डेट है क्योंकि जितने भी राइट इश्यू है एशियन पेंट के जो आपके अकाउंट में आए हुए हैं वो या तो आपको बेचने होंगे या फिर आपको राइट इशू के लिए आपके जितके राइट इशू है उसके लिए आपको सात तारीख तक अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है बट अगर आप अप्लाई नहीं करने जा रहे हैं तो आज आपको बेचना होगा ओके okay, और जिन्होंने एक्स्ट्रा यहाँ पर शेयर लिए जिन्हें अलाउट हुए हैं जैसे पचास शेयर राइट इशू के अलाउट हुए और उन्होंने सौ ले रखे है तो मुझे लगता है कि उन्हें पचास ही लेना चाहिए सौ क्योंकि सौ लिए तो शायद पचास पचास मल्टीप्लाई जो रेट चल रहा है जिस प्राइस पर उन्होंने थर्टी सिक्स थर्टी पे लिया है वो उन्हें लॉस हो सकता है तो उससे

ओके okay, अगर किसी को पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कराना है क्योंकि वो सारी की सारी वहां पर पेड सर्विस आपको मिलेगी तो वहां पर आप कोई भी आपकी जनरल क्वेरीज हो अबाउट द स्टॉक्स की के ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो वो हम आप कमेंट करिए उसका जवाब आपको मिल जाएगा बट अगर आपको कोई पोर्टफोलियो uh, कंस्ट्रक्ट कराना है स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से आपको स्टॉक्स चुनने हैं उसके लिए आपको वहां पर व्हाट्सएप करिए uh, क्योंकि वहां पर उसी चीज़ का रिप्लाई दिया जाएगा तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी तो आइए वीडियो की तरफ तो चलते हैं और जानते हैं सारी की सारी चीजों से रिलेटेड सबसे देखिए मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ राइट इशू आपको पता ही है राइट right इशू आपके अकाउंट में आएंगे अगर आपके पास एशियन ग्रेनिटो uh, का यहाँ पर शेयर है एशियन टाइल्स के नाम से भी जाना जाता है तो कुछ चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर सबसे पहले तो एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पर बारह अक्टूबर को यहाँ पर रिकॉर्ड डेट है ओके यहाँ पर डिविडेंड से रिलेटेड यहाँ पर चर्चा की जाएगी और यहाँ पर आपको डिविडेंड दि... फाइनल डिविडेंड यहाँ पर मिल सकता है ओके इस कंपनी कम... एक चीज ये होगी दूसरी चीज से रिलेटेड अगर हम बात करें तो देखिये जैसे कि आपको पता ही है काफी लोगों ने यहाँ पर आपको वीडियो बना के बताया होगा या काफी लोगों ने यहाँ पर कुछ चीजें आपको ऐसी बताई होंगी कि यहाँ पर आप एक्स्ट्रा शेयर के लिए अप्लाई करिए ओके आपको दस का फायदा होगा ट्वेंटी

ओके okay, यहाँ पर देखिए अभी जो शेयर है ओके okay, यहाँ पर ए, कितने इक्विटी शेयर्स है तीन लाख बयालीस हजार सत्तासी तीन करोड़ बयालीस लाख सत्तासी हजार चार सौ छियालीस और अभी uh, uh, जब राइट इश्यू आ जाएगा उसके बाद पांच पांच करोड़ सड़सठ हजार सड़सठ लाख इक्यावन हजार छह सौ चौतीस शेयर हो जाएंगे तो यहाँ पर याद रखिएगा केवल दो सौ करोड़ चौबीस लाख 64,188 शेयर ही यहाँ पर राइट right इशू के लिए आए गए आए हुए हैं तो इस चीज को याद रखिएगा आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं देखना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिए ओके इसमें थोड़ा सा रिस्क भी रहेगा क्योंकि आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग कि हम ज्यादा के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते ओके मैं भी यहाँ पर uh, पहली बार ही इस इस चीज से रिलेटेड एक एक शेयर में एक्स्ट्रा uh, लेके देखूंगा और देखूंगा कि मुझे सिक्सटी फाइव मतलब जितने भी मुझे मिले हैं उससे एक ज्यादा शेयर लेके देखूंगा और देखेंगे कि अगर हमें मिलते हैं तो नेक्स्ट टाइम से, तो से समझने की जरूरत है बाकी दो लाख चौबीस हजार चौसठ दो करोड़ चौबीस लाख चौसठ हजार आएंगे तो इस चीज को याद रखिएगा अगर लोग भर भर के यहाँ पर ले रहे हैं तो शायद उनका जो राइट इशू है और जो राइट इशू का आज का डेट है जिनका प्राइस सैंतीस रुपए

यहाँ पर वीडियो देख रहा है ओके okay, वो यहाँ पर तुरंत में ये काम करिए अदरवाइज यहाँ पर आपको लॉस होता हुआ साफ यहाँ पर नजर आ सकता है उसके बाद आप कहिएगा मत अगर हम बात करें राइट इशू से रिलेटेड तो राइट इशू से रिलेटेड देखिए हमने यहाँ पर एशियन ग्रैंड से ये रिलेटेड हमने काफी सारी वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर बनाई है और यहाँ पर आपको बताया है, ये गलती मत करना मतलब आप राइट इशू को तुरंत टाइम पे यहाँ पर बेच दीजिएगा अगर आप यहाँ पर टाइम पे नहीं बेचेंगे तो आपको यहाँ पर लॉस होता हुआ नजर आएगा तो इस चीज को आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना होगा तो थोड़ी सी और कैसे अप्लाई करना है तो यहाँ पर हाउ टू अप्लाई यहाँ पर डालेंगे यहाँ पर आप डालेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर द एशियन गैन टू शेयर या राइट हाउ टू अप्लाई यहाँ पर अगर हम देखे यहाँ पर अगर मैं डालता हूँ तो यहाँ पर पता चलेगा देखिए आईपीओ और इशू थ्रू द एसबा एसबा के थ्रू यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है इस वीडियो का लिंक दे दूंगा ऊपर जाके आप पर देख लीजिएगा बाकी ऑफलाइन कैसे करना है यहाँ पर अगर एसबा आपके पास नहीं है नेट बैंकिंग नहीं है मोस्टली सभी में होती है फिर भी नहीं है तो मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा दूसरा तरीका हम यहाँ पर जान लेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा और चीज मैं आपको ब्रीफ में यहाँ पर बताना चाहता हूँ यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर देखिए सेम चीज यहाँ पर दे रखा है तो पर आ, सेम दो, दो करोड़ चौबीस लाख शेयर राइट इश्यू के लिए यहाँ पर हुए तो आ, इतने ही यहाँ पर मान्य होंगे ज्यादा अगर कोई शेयर लेगा वो मान्य नहीं होंगे तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो जिन्होंने ज्यादा शेयर यहाँ पर ले रखे एक शेयर ही ज्यादा देखिए के एक बार ओके okay, उसके बाद अगर मिलते हैं वो शेयर एक्स्ट्रा तो आप ज्यादा के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि मैं भी यहाँ पर ज्यादा के लिए एक पहली बार ही अप्लाई करके देखूंगा तो मुझे भी यहाँ पर श्योर नहीं है तो यहाँ पर अगर किसी ने ज्यादा के लिए अप्लाई किया है तो देखिए वो जो आप नेट बैंकिंग से पैसा भरेंगे वो तो आई थिंक आ जाएंगे बट जो राइट इशू आपने सैंतीस रुपए वाले लिए वो यहाँ पर पैसा आपका आ, मरता हुआ दिखाई देगा मतलब वो आपको पैसा नहीं मिलेगा तो उस चीज को थोड़ी याद रखिएगा तो यहाँ पर थोड़ी कुछ डेट यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट है डेट है उसे ध्यान देखिए तो यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पर डेट तेईस तारीख को यहाँ पर ओपन हुआ था ओके एक तारीख यहाँ पर आज के दिन जो यहाँ पर एक्सचेंज एक जो आपके एन एस मतलब जो राइट इशू आया है उसका लास्ट डेट है आपको याद तो उसमें सेल करना है या फिर आप बाइंग करेंगे राइट इशू जितने आपको मिले तो वो आप यहाँ पर सिंपली uh, यहाँ पर अप्लाई uh, कर कर सकते हैं तब इसे रहने दीजिएगा तो यहाँ पर आज की डेट में खत्म हो जाएगा इशू क्लोजिंग डेट की बात करें सात तारीख तक आपको अप्लाई करना है सेवन और बिफोर सेवन आपको यहाँ पर राइट इशू के लिए अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है एसबाक के थ्रू आपको अप्लाई करना है के कैसे कर सकते हैं वो सारा वीडियो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं किस किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा तरीका यहाँ पर मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से इजीली

तो यहाँ पर आपके पास राइट इशू का यहाँ पर जैसे आ जाएगा पेज ओपन होके यहाँ पर एज वेल एज यहाँ पर आपको डीपी आई डी डालनी पड़ेगी आपकी डीपी आई डी क्या होती है उसके लिए अगर मैं आपको जेरोधा के पर्पज से बता देता हूँ डी पी आई डी यहाँ पर जेरोधा तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर जाइएगा तो यहां पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए पूरा बता रखा है तो डीपीआईडी यहाँ पर होती है ये ये नहीं होती इसके ऊपर वाली जो DPID होती है ना जो इन्होंने ब्लैंक ब्लर कर रखी है ओके वो आ, ID यहां पर मायने होगी और लास्ट में यही नंबर होगा तो इस स्टार्टिंग में यही नंबर होगा वन टू एट वन वन टू जीरो एट वन सिक्स डबल जीरो से शुरू होगी और ये सोलह डिजिट के आई थिंक ये नंबर होता है तो इस नंबर को आप ये अगर यहाँ पर डालेंगे तो एक पेज ओपन होगा उसमें आप अपनी आ, कितने आ, आपको राइट इशू मिले हैं ओके आ, वो सब कुछ आपको दिखा देगा उसे दिखाने के बाद आ, आ, यहाँ पर आपको सब कुछ यहाँ पर कुछ आ, यहाँ पर इम्पोर्टेंट मैं भी आपको दिखा सकता था मैं डायरेक्ट आपको पेज दिखाऊंगा इसलिए आ, यहाँ पर कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है तो इसलिए मैं यहाँ पर रिवील नहीं कर रहा यहाँ पर क्लिक करिएगा डी पी आई पर डालिएगा यहाँ पर, पर सबमिट करिएगा तो एक आपको कितने अप्लाई कर सकते हैं उसका आएगा उसका अमाउंट आएगा आप क्लिक करेंगे क्लिक करते ही साथ आपको कुछ इस तरीका का पेज ओपन होता देखिए पर शेयर होल्डर डिटेल्स पर आपने डिटेल्स डाली इन्वेस्टमेंट डिटेल्स डाली पर डालेंगे तो फिर यहां पर बैंक डिटेल्स आएगी सिंपल प्रोसेस है, कोई भी यहाँ पर लफड़ा नहीं है यहाँ पर नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग पर देखिए पे पर आपने क्लिक किया ओके यहाँ पर UPI की बात करें तो यहाँ पर यूपीआई के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू आप यहाँ पर पैसा दे सकते हैं जैसे कि आपका किसी और जैसे कि यहाँ पर एच बैंक में अकाउंट है एच लिखा यहाँ पर आई कोड लिख दिया यहाँ पर अकाउंट uh, होल्डर का नाम लिख दिया यहाँ पर आपने सिंगल या जॉइंट है यहाँ पर बैंक अकाउंट लिख दिया यहाँ पर री बैंक अकाउंट लिख दिया और इसके बाद यहाँ पर मेक पेमेंट तो यहाँ पर आपके राइट right इशू के लिए पेमेंट हो जाएगी अगर आपको यूपीआई के थ्रू करना है सेम प्रोसेस है यहाँ पर एच डी पर uh, जो भी आपका बैंक है ओके यहां पर आई एफ एस सी को ने, आ, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर सिलेक्ट बैंक अकाउंट और यहाँ पर पेमेंट कर दीजिएगा बाकी यहाँ पर किस डेट को यहाँ पर आपके पास ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी वो सब कुछ यहाँ पर दे ही रखा है तो यहाँ पर एक बार जाके आप पर 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 चेक कर लीजिएगा कि, किस किस डेट को सब चीज आपको मिलती हुई नजर आएगी तो तो जैसे कि हम देखें देखिए जाकेट ऑफ क्रेडिट मतलब किस तारीख को इक्कीस तारीख को यहाँ पर शेयर आपके अकाउंट में आ जाएंगे और यहाँ पर अलॉटमेंट की डेट यहाँ पर बीस तारीख है और डेट ऑफ लिस्टिंग की बात करें छब्बीस तारीख जैसे आईपीओ लिस्ट होता है सेम इसी तरीके से शेयर लिस्ट होंगे और ज्यादा के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर मिलने की संभावना भी है और नहीं भी है क्योंकि काफी लोग होते हैं जो कि यहाँ पर शेयर पूरा का पूरा कुछ लोग यहाँ पर जो राइट इश्यू मिले यहाँ पर बेच देंगे कुछ लोग राइट इश्यू के लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे ओके okay, तो यहां पर आपको समझ में सारी की सारी चीज आ जाएगी उसी हिसाब से जैसे लिस्ट होता है बट यहां पर जो नॉर्मल पैसा है वो शायद यहां पर मरता हुआ नजर आ सकता है जो सैंतीस रुपए अड़तीस रुपये होता है तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा या फिर शायद पूरा का पूरा आ जाएगा मैं भी इसे, इसे इसमें एक्स्ट्रा शेयर के लिए पहली बार अप्लाई करूंगा तो देखते हैं फिर उसके बाद देखेंगे अगर किसी को मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियोज बनाएंगे तो एक बार हमें और अच्छी तरीके से हमें आइडिया हो जाएगा कि एक्स्ट्रा शेयर के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें पूरा का पूरा अलॉटमेंट मिल जाता है